स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि नए गैस गीजर की सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, जो जहां पे 3 नॉब्स लगी हुई हैं इनकी क्या क्या सेटिंग होती है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बात करेंगे, जो फर्स्ट नॉब है ये दोस्तों थी गैस वॉल्यूम। इससे हमारी गैस जो है कम ज़्यादा होती है, मैं आपको चला के भी चेक करवाऊँगा। ये गीजर को पहले ऑन कर देते हैं। ऑन करने के लिए सिंपली आपको पीछे से टैप खोलनी है और गीज़र ऑन हो जाता है। हमने दोस्तों पहले इसको मिनिमम पर रखा है, तो जैसे ही हम आप देख सकते हैं इसके अंदर फ्लेम चल रही है, फ्लेम को बढ़ा रहे हैं, देखो आग नीचे आगे बढ़ रही है, ये आप देख सकते हैं। घटाया घट गई, बढ़ाया और बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। ये इसके लिए है। और ये दूसरा होता है विंटर और समर। इसमें इसके अंदर दोस्तों बर्नर लगे होते हैं, तीन बर्नर होते हैं। जब हम इसको विंटर पर सेलेक्ट करते हैं तो तीनों बर्नर अंदर चलते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इसको हम समर पर करेंगे तो पीछे वाला बर्नर बंद हो जाएगा। इसमें दोस्तों दो बर्नर बंद हो जाते हैं, एक चलता है समर पर। अब जैसे ही हम विंटर पर घुमाएंगे पीछे वाला बर्नर स्टार्ट हो गया, ये देखिए ये बंद हो गया, ये स्टार्ट, बंद और स्टार्ट, ठीक है दोस्तों। और लास्ट वाला जो होता है वाटर वॉल्यूम, इसको हम लेफ्ट साइड में घुमाएंगे तो पानी हमारा टैप में तेज आएगा, राइट साइड में घुमाएंगे तो पानी हमारा स्लो आएगा। हम देखते हैं, इसको भी चेक करेंगे। ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो वाटर है किस स्पीड से आ रहा है, ये आप देखते हैं काफ़ी स्पीड है इसकी। तो हम इसको पीछे घुमा देते हैं, इस साइड कर दिया हमने, तो आप देख सकते हैं कितना कम पानी आ रहा है। अब फिर से मैं चेक करवाता हूँ आपको, हमने इसको घुमाकर तेज करेंगे तो देखिए प्रेशर बढ़ गया इसका, पानी कितना तेज़ हो गया। फिर से स्लो करेंगे, मिनिमम पे कर दिया, पानी कम आना शुरू हो गया। तो ऐसे आप दोस्तों सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका गीज़र का पानी गर्म नहीं कर रहा है तो इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, इसको विंटर पर रखना है दोस्तों, गैस को फुल कर देना है तो आपका पानी पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका पानी गर्म नहीं हो रहा है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि टैंकी बहुत ज़्यादा ऊंची लगी होती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है गीज़र का, पानी बहुत ही स्पीड से आता है, तो हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप हम पानी को भी कम कर देंगे तो आपका पानी जो है ज़रूर गर्म हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा पानी। तो अगर आप उसको कम करना चाहते हो, कम गर्म करना चाहते हो, तो पहले आप पानी को बढ़ा दें। पानी इस साइड बढ़ रहा है दोस्तों, इस साइड घटता है। इसमें क्या है, जब हम हमारी टैंकी जो है बहुत ऊंची लगी होती है, तीसरी मंजिल पे होती है, तो नीचे पानी बहुत तेज प्रेशर से आता है, तो उसका हमें क्या करना है, हमने इसको भी फुल कर दिया, इसको विंटर पे कर दिया और इसको हम मिनिमम कर देंगे ताकि जो पानी का प्रेशर कम हो जाए और गीज़र में पानी अच्छे से गर्म हो सके। तो ये तीनों स्टेप से आप गीज़र का पानी पूरा हीट कर सकते हो। तो इसके अलावा अगर कोई फिर भी पानी गर्म नहीं हो रहा है तो आप अपना रेगुलेटर का भी चेक कर सकते हो, क्योंकि रेगुलेटर ख़राब होता है, गैस कम निकालता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आप इसकी सेटिंग जो है कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।